स्टूडेंट ऑफ दिस वीडियो फॉर ओनली शिवांगी जोशी। कई लोगों ने मेल करके और व्हाट्सएप पे और कमेंट्स में भी पूछा हुआ है कि इसमें शिवांगी जोशी का एक बार मैं उनका जो है अगर मैं उनकी करियर जानना चाह रहे हैं, वो एक्चुअली कौन कौन से प्रोजेक्ट्स या इस तरीके से वो करेंगे आगे भविष्य में, और इसमें मैं मैसेजेस देखना चाहूँगी कि शिवांगी जोशी का अगर मैं केवल बात करूँ तो इनका क्या दिखा रहा है फ्यूचर में। मेरे आसपास चौकर भी डिवाइन एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी सब, प्लीज़ मुझे बताएं कि शिवांगी जोशी के जो फैंस हैं जानना चाहते हैं कि इनका फ्यूचर आगे का करियर कैसा रहेगा। अगर मैं केवल करियर की बात करूं तो किस तरह के मैसेजेस हैं, और फैंस उनके जानना चाहते हैं, उनको कई सारे प्रोजेक्ट्स में या सीरियल्स में देखना चाहते हैं कि क्या वो आ पाएंगी क्या, या कोई प्रॉब्लम है। यहाँ अगर मैं इनके करियर की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली इनके यहाँ ये बहुत बाउंडेशंस में एक्चुअली ये बहुत बंधी हुई हैं प्रॉब्लम्स में, ये खुद ही प्रॉब्लम में फंसी हुई हैं। कौन सी प्रॉब्लम है इनके लाइफ में, शायद यहाँ पे ये शो हो रहा है कि वो अपनी शादी के लिए शायद सोच रही हैं, अपनी शादीशुदा मैरिज लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए वो बहुत ज़्यादा सोच रही हैं कि कैसे मैं इस चीज़ को, प्रॉब्लम को जो है सॉल्व करूं। बहुत ज़्यादा उनके माइंड में इस चल रही है, क्योंकि वो, और यहाँ ये भी दिखा रहा है कि उसमें अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती है करियर वाइज, जैसे कि मैंने पूछा करियर एक्चुअली इनका हावी हो रहा है मैरिज लाइफ को लेकर के इनका माइंड। तो यहाँ पे बहुत साफ मैसेज है और ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं। ये चाह रही है कि इस तरीके से मेरी लाइफ सेटल हो जाए, मैं एक स्तर तक पहुँचूँ, एक लेवल तक, वहाँ तक पहुँचूँ, लेकिन इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स का कार्ड आया हुआ है कि इनको वो लेवल नहीं मिल पा रहा है जो ये चाह रही हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम्स बहुत है, ये जानती हैं कि फाउंडेशंस का है, दैट मीन्स कि व्यक्ति प्रॉब्लम में इतना ज़्यादा फंसा हुआ है, बंधा हुआ है, कि जानता है कि मैं कैसे निकल सकता हूँ, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। और यहाँ पे अगर करियर की इनकी बात करूँ मैं तो आगे इसमें दिखा रहा है कोई जना इनको अपने रास्ते से हटाना चाह रहा है कि ये छोड़ के चली जाएँ किसी तरीके से ही, मतलब ये हट जाएँ और इनको इतना परेशान किया जाए कि ये जो है बस छोड़ दें। और कोई बी स्टेप का व्यक्ति है जो कि कोई सीनियर कोई हो सकता है, कोई जैसे होता है सीनियर पोस्ट पे, हाई पोस्ट पे, इस तरह का दिखा रहा है कोई बी स्टेप का व्यक्ति। देखिए मैं अगर जो लोग पहली बार देख रहे हैं मैं बता दूं, बी स्टेप का व्यक्ति वो होता है जो दूसरों का खून चूसने में ही इसको मजा आता है, अपना मतलब बस निकल जाए किसी तरीके से, अगला जाए जाए भाड़ में, उसको फिर अगले से कोई मतलब नहीं, ये होता है बी स्टेप का व्यक्ति। इस तरह का व्यक्ति इनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या साफ दिखा भी रहा है, वही व्यक्ति इनको हटाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे ये जानती हैं, इंट्यूशन का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं शिवांगी को बहुत शक है कि ये व्यक्ति यही है और यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इससे मैं आगे मैसेज देख लेती हूँ करियर वाइज, मैं केवल करियर का इस वक्त देख रही हूँ। फैंस जानना चाहते हैं क्या भविष्य में, कभी फ्यूचर में इनका करियर कैसा दिखा रहा है, मैं जानना चाहूँगी। मेरे आसपास जो कभी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज़ मुझे बताएं कि शिवांगी जोशी का फ्यूचर में, फैंस जानना चाहते हैं कि क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से, और क्या फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट में या सीरियल्स में, वेब सीरीज पे, कहीं पे भी ये आ सकती हैं क्या, या बाधाएँ हैं, जो भी हो मैं एक बार इसमें देखना बहुत चाहूँगी कि इसमें इनके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैं शिवांगी जोशी की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ ये दिखा रहा है कि ये लवर्स का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स अगेन देखिए शिवांगी के लिए ये अगेन फीमेल का कार्ड आया हुआ है। जो अगर आप पिछले रीडिंग्स में अगर देखेंगे वीडियोस में, बार बार ये शिवांगी के लिए कार्ड हमेशा आया है, एक मदरली केयर वाला, एक ऐसी लेडी जो कि बहुत अच्छी है, उसके अंदर प्यार बहुत है और अपने काम के लिए एक वो माहिर है, अपने काम में माहिर है। और एक जैसे कि मैंने बताया ये कार्ड एक्चुअली गॉडेस के लिए आता है जो केवल दूसरों को देना जानती, एक बहुत ही अच्छी लेडी आप ये मान के चलिए। और लवर्स का कार्ड है, दैट मीन्स कि वो प्यार पाना चाहती हैं वो, क्योंकि देखिए मैरिज का भी यहाँ पे कार्ड आया था कि वो शादी करना चाहती हैं और एक, लेकिन अच्छी एक जिंदगी चाहती हैं, लेकिन ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं और कोई बीस टाइप का व्यक्ति नो डाउट परेशान कर रहा है। इसमें वो लवर्स का कार्ड है, दैट मीन्स शायद वो किसी को चाहती हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, रिलेशनशिप ठीक से बैठ नहीं पा रहा है, मैजिकल चीज़ें हैं, कुछ ऐसी ट्रिकिश चीज़ चलाकियाँ उनके साथ हो रही हैं जिसको वो हो सकता है कि इंट्यूशन का कार्ड हो, वो जानती होंगी ये व्यक्ति कर रहा है, ये चलाकियाँ कौन खेल रहा है वो ये भी जानती होंगी, लेकिन अंदाज होगा उनको, खाली मैजिकल चीज़ या एंजल्स का मैसेज है
कि सम मैजिकल थिंग इज गोइंग ऑन एंड सम ट्रिकिश थिंग इज गोइंग ऑन इन द लाइफ ऑफ एस्पेशली इन द करियर लाइफ ऑफ शिवांगी जोशी. एंड दैट पर्सन हु इज प्लेइंग द ट्रिकिश थिंग वॉन्टेड टू स्टॉप ऑल द करियर लाइन्स ऑफ शिवांगी जोशी. सारी इनकी खिड़की दरवाजे बंद हो जाएं और ये बस जैसे कि मैंने बताया ना, इनको रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है, इनका जो करियर है वो ऑफ करने की कोशिश की जा रही है अगर मैं बात करूँ तो. और ये जो कोई भी है वो चाहता है कि ये बहुत दूर चली जाए, कहीं छोड़ के चली जाए, चाहे मतलब इंडस्ट्री छोड़ के चली जाए, चाहे जहाँ पे स्टैंड आउट कर रही है अपने प्रोफेशनली कर सकती हैं स्टैंड आउट, लेकिन ये इनका मन ऐसा उन्होंने उसने ऐसा डाइवर्ट किया हुआ है मैजिकल अगर मैं बात करूँ, उसने डाइवर्ट किया हुआ है, ट्रिकिश ऐसी चीज़ खेली है कि वो ये सोच रही हैं आप कि मैं इसको ऑफ कर दूं और मैं कहीं दूर चली जाऊं. मतलब एक होता है ना व्यक्ति दुनिया छोड़ करके मतलब एक नई जिंदगी कहीं और जाके बसाना, ये चीज़ इसमें शो हो रही है अगर मैं बात करूं तो. और ये अगर ये ऐसा करती हैं तो वो व्यक्ति ये बात जानता है कि ये ऑलमोस्ट ये चीज़ वो कदम उठा चुकी हैं और अब वो चाह रही हैं कि मैं अपने नए तरीके से जो हूँ जो है वो एक जद्दोजहद में लगी हुई है, क्योंकि हार्डवर्क का भी कार्ड आया हुआ है. दैट मीन्स कि वो चाह रही हैं कि मैं तब भी हार्डवर्क, देखिए जो इंसान का मेहनत करने का जो नेचर है वो नहीं छोड़ सकता ना प्रोफेशनल. जो मान लीजिए मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ तो मैं अगर मेरा जो काम है वो वही करूँ जो ईश्वर ने मुझको दे रखा है. आपके अंदर क्वालिटी टीचर की है या स्टूडेंट की है तो आप तो वही काम करेंगे ना. लेकिन शिवांगी अगर एक एक्टर हैं, एक प्रोफेशनली एक एक्टर हैं, एक फीमेल एक्टर हैं, तो वो अपना प्रोफेशन तो व्यक्ति नहीं छोड़ देगा, लेकिन उसमें ये दिखा रहा है कि उस फील्ड में ये फिर भी मेहनत करेंगी, फिर से आने की कोशिश करेंगी. लेकिन अभी इनके में फ्यूचर में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखा रहा है, कोई जना इनके स्टॉप करना चाहता है करियर. अगर मैं यहाँ पे ऐसे क्लियर हो रहा है एकदम, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कुछ चलाकियों की वजह से हो रहा है और इनकी लव लाइफ को भी डिस्टर्ब किया जा रहा है. आई थिंक उनकी फैंस को बहुत मैसेज क्लियर होगा. मैं केवल करियर पे मैंने ये थोड़ा सा एनालिसिस किया था. थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो.